हे गाइस और एक कमाल के वीडियो में स्वागत करते हैं भाई। आज हम बात करने वाले हैं वन प्लस की तरफ से आने वाला है भाई वन प्लस 9 RT का ऑफिशियली कंफर्म लॉन्च डे निकल के आ चुका है एंड भाई इसका प्राइसिंग क्या होने वाला है उसके बारे में आपको बताएंगे और साथ में इसका फुल ऑफ स्पेसिफिकेशन तो बताने वाला हूँ। तो भाई बहुत ही कमाल के वीडियो होने वाला है, बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाला है एंड इसका बहुत कुछ लीक्स निकल के आ चुके हैं। इसका रेंडर्स भी फर्स्ट लुक अब जिसको बोल सकते हो वो भी निकल के आ चुका है एंड ये भाई प्री ऑर्डर पर भी जा चुका है। तो भाई सबके ऊपर बात करने वाले इसी फोन के बारे में आज हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हो, तो भाई लास्ट तक वीडियो को जरूर देखते रहिए, इसका फुल अप इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं एंड भाई अगर भाई आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर सकते हो, ऐसे वीडियोस आपको आगे भी मेरे चैनल पे मिल रहेंगे तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके देना। बहुत ही जल्दी हम लोग भाई 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाला है एंड भाई जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए उसको भाई दिल से शुक्रिया, थैंक यू गाइज। ऐसे प्यार एंड सपोर्ट बने रखे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देने की कोशिश करते रहेंगे, तो भाई ज्यादा बातें नहीं करेंगे शुरू करेंगे। सो गाइज सबसे पहले बात करेंगे वन प्लस 9 RT के हाइलाइटेड फीचर्स के बारे में, बाद में इसका प्राइसिंग और ये कब तक ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है उसका डेट भी आपको बताने वाला है, तो भाई लास्ट तक वीडियो जरूर देखते रहिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड भाई सबसे पहले बात करेंगे इस फोन की डिस्प्ले के बारे में, जैसे इसमें आपको जो डिस्प्ले देखने के लिए मिलेंगे 6.55 इंच का एक फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले के साथ ये फोन आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी दिया जाएगा जो भी बहुत ही कमाल की स्मूथनेस आपको प्रोवाइड करने वाला है एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट तो आपको मिल ही जाएंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाला है एंड ओवरऑल बहुत ही अच्छा डिस्प्ले के साथ ये फोन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड बात करेंगे इसके प्रोसेसर के बारे में, तो भाई इसमें आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से प्रोसेसर देखने के लिए मिलेंगे, स्नैपड्रैगन 888 जो एक 5G प्रोसेसर है जो एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन की तरफ से और भाई ये प्रोसेसर 5nm टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके बनाया गया जो भी बहुत ही ज्यादा बैटरी एफिशिएंसी है, बहुत ही कम आपके बैटरी को कंज्यूम करने वाला है एंड लंबा देर तक आपके बैटरी बैकअप छाने वाला है। और भाई बात करेंगे इस फोन की GPU, तो भाई इधर आपको एड्रीनो 660 का GPU मिलेंगे जो भाई हाई लेवल पे आप किसी भी गेम्स को एंजॉय कर सकते हो, जितने भी गेम्स है BGMI बोलिए, कॉल ऑफ ड्यूटी बोलिए या फ्री फायर जो भी आप खेलना चाहते हैं सभी गेम्स को आप हाई सेटिंग्स पे इजीली खेल पाएंगे। तो भाई फाइनली बात करेंगे इस फोन की मेन हाइलाइटेड फीचर्स के बारे में, जो भाई इसका कैमरा, इसमें आपको 50MP का कैमरा मिलेंगे जिसमें आपको सोनी का IMX766 वाला सेंसर मिल जाएंगे जो भी बहुत ही कमाल के फोटोस आपको खींच के दे सकता है एंड 16MP का अल्ट्रा वाइड मिलेंगे जिसमें आपको सोनी IMX481 का सेंसर मिलेंगे जो बहुत ही बढ़िया फोटोस आपको खींच के दे सकता है और भाई 2MP का एक डेप्थ या मैक्रो कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। टोटल 3 कैमरे के साथ ये फोन आ रहा है एंड बात करेंगे इसकी फ्रंट कैमरा, तो भाई 16MP हो सकता है या 32MP हो सकता है, मतलब अभी कंफर्म नहीं है कौन सा मेगापिक्सल के साथ आ रहा है, तो भाई इधर आपको 16 भी हो सकता है 32 भी हो सकता है जो एक पंचोल सेल्फी कैमरे के साथ आने वाला है। एंड बात करेंगे इसके फोन की बैटरी, तो भाई इधर आपको 4500mAh की बैटरी मिलेंगे, साथ में 65W का फास्ट चार्जिंग मिलेंगे जो भी बहुत ही जल्दी आपके बैटरी को भी ये चार्ज करने वाला है। एंड अदर कनेक्टिविटी बात करेंगे तो टाइप सी का पोर्ट मिलेंगे बट सैडली आपको 3.5mm फोन जैक देखने के लिए नहीं मिलेंगे, मिसिंग मिलेंगे, जो भाई गेमर भाई है उसको तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। एंड इधर आपको एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स ही मिलेंगे, कलर वाइज 12 पे ये आने वाला है, अलर्ट स्लाइडर भी मिलेंगे जो भाई वन प्लस का एक मार्क बोल सकते हो, मतलब वन प्लस में ये चीज देता है अलर्ट स्लाइडर। और भाई इसका जो फ्रेम होने वाला है ना भाई मेटल के फ्रेम होने वाला है। एंड बात करेंगे फाइनली इसकी प्राइसिंग एंड लॉन्च डेट, इसका जो प्राइसिंग होने वाला है स्टार्टिंग प्राइसिंग जो होने वाला है चाइना में वो भाई 2000 yen से 3000 yen के बीच में होने वाला है, तो भाई देखेंगे कि जब भी ऑफिशियली प्राइसिंग निकल के आ जाएंगे आपको जरूर से बताएंगे। एंड बात करेंगे इस फोन की लॉन्च डेट, तो भाई ये 13th October को चाइना में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा एंड इंडिया में भी बहुत ही जल्दी आने वाला है, बट उसके बारे में कुछ भी ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है कब तक आने वाला है, क्या कुछ भी हिंट्स वगैरह भी नहीं है, ठीक है, तो कोई भी ऑफिशियली लॉन्च डेट निकल के आ जाएंगे आपको जरूर से बताएंगे। तो भाई ऐसी अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और भाई वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर सकते हो, कैसा लगा फोन कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो एंड कुछ भी गलत बोल दिया उसके लिए सॉरी भाई, गलती सबसे होता है मुझसे भी हो सकता है तो भाई इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो भाई वीडियो इतना ही था, चलते मिलते किसी नेक्स्ट और एक कमाल के वीडियो, तो के लिए बाय बाय।